बच्चेगा कैमरे में सर। लड़की को झांसा दे के झूठ झांसा दे के कि बेटी बचा बेटी पढ़ा। हम लोग बात सुने लेकिन यहाँ प्रशासन अपना हम लोग से सब। नमस्कार, बिफोर प्रिंट डॉट इन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राजधानी पटना में बीटेट अभ्यर्थियों का प्रदर्शन एक बार फिर से शुरू हो गया है। अभ्यर्थियों ने आज यानी कि शुक्रवार को जेडीयू कार्यालय का घेराव कर जमकर विरोध किया। इतना ही नहीं, बीटेट अभ्यर्थी जेडीयू कार्यालय के गेट पर धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। लेकिन इसी दौरान पुलिस ने इन अभ्यर्थियों को खदेड़ कर भगा दिया। छात्रों की माने तो उनके ऊपर लाठी चार्ज भी किया गया। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब बीटेट अभ्यर्थियों ने जेडीयू कार्यालय का घेराव किया हो। पिछले महीने भी बीटेट अभ्यर्थियों ने जेडीयू कार्यालय के बाहर खूब बवाल किया था। अभ्यर्थियों की मांग थी कि सीटेट और बीटेट के सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की जल्द से जल्द भर्ती की जाए। हालांकि इस दौरान पुलिस ने अभ्यर्थियों को वहां से खदेड़ दिया था। अभ्यर्थियों ने न केवल जेडीयू ऑफिस के बल्कि इन्होंने बीजेपी दफ्तर में भी कई बार चक्कर लगाए थे। वहीं पुलिस से खदेड़े जाने के बाद छात्रों में आक्रोश साफ तौर पर देखा जा रहा है। छात्रों का कहना है कि सरकार क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को भी नौकरी नहीं दे रही है। इसके बाद जब हम इसका विरोध करते हैं तो पुलिस हमें खदेड़ कर भगा देती है और हमारे ऊपर लाठी चार्ज भी किया गया है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि लगभग 40 दिन से ये अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बावजूद सरकार सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग बात सुने लेकिन यहाँ प्रशासन अपना हम लोग से गाड़ी पर सर, हम लोग बीटेट अभ्यर्थी हैं। हम लोग का मांग है सर, सातवां चरण से पहले बीटेट होना चाहिए या फिर दिसंबर में सीटेट हो रहा था, हम लोग को भी शामिल किया जाए उसमें। सातवां चरण में हम लोग को शामिल किया जाए और उससे पहले बीटेट होना चाहिए। हम लोग का बस यही मांग है सर, और कुछ नहीं। हर बार जब जब बहाली आया, 11 की बात किया जाए, 17-18 की बात किया, उसमें भी उससे पहले बीटेट हुआ। ऐसे भी एनसीईआरटी का गाइडलाइन है सर कि जब भी कोई बिहार में शिक्षा बहाली आएगा उससे पहले बीटेट होना चाहिए। बिना बीटेट के आप हर बार बहाली हुआ बीटेट पे, इस बार बिना बीटेट के कैसे सर बहाली ले सकता है? हम लोग का हक है, हम अपनी मांग पूरी सर पूरी मांग के लिए जान भी उसके लिए कुछ भी होगा सर, हम लोग लड़ेंगे सर। जी सर, नहीं वार्ता मंत्री इससे 2-4 दिन पहले हमारे संगठन के हमारे साथ ही शिक्षा मंत्री से मुलाकात किए। हमारे शिक्षा मंत्री श्रीमान श्री विजय चौधरी ने हमारे साथियों को कहा कि तुम्हारे क्षेत्र से वोट नहीं आता है, हम तुम लोगों की मांग को नहीं सुनेंगे। जो जब हमारे साथी वीडियो रिकॉर्डिंग उनका ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, रुक जाइए, गार्डों के द्वारा सभी का मोबाइल में वो जो ऑडियो रिकॉर्डिंग था उसको उड़वाया गया और गार्ड को ये कहा गया कि दूसरी बार से ये लोग दिखना नहीं चाहिए, कैंपस में आना नहीं चाहिए, यदि आता है तो इन लोगों को धक्के मारकर बाहर निकालो। मेरा नाम एमपी यादव, दरभंगा जिला से आया हूँ। सबसे ज्यादा वोट तो लड़कियां देती है नीतीश कुमार, लड़कियां देती है तो लड़कियां सर पता चला दे कि नीतीश कुमार लड़की को झांसा दे के झूठ झांसा दे के कि बेटी बचा बेटी पढ़ा, उसके बाद कहते हैं कि हम नहीं दे सकते नौकरी नहीं दे सकते, झूठा क्यों वादा करते हैं। शांतिपूर्ण तरीका से पटना के गर्दनी बाग में सड़क पर बैठकर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन ये पुलिस के द्वारा हम लोगों पर लाठियां चार्ज की जा रही है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीका से आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर कि सातवां चरण से पहले सर
बीटेट का आयोजन एक बार करवा दीजिए, एक बार बीटेट करवा दीजिए। लेकिन यहाँ के पुलिस प्रशासन के दुर्व्यवहार के कारण हम लोगों को तकलीफ झेलना पड़ता है, हमारे साथियों को अरेस्ट किया गया है। मैं बताना चाहता हूँ कि निकम्मी सरकार, निकम्मी पुलिस प्रशासन को यदि हमारे साथी को अरे जल्द से जल्द नहीं छोड़ा गया तो हम लोग और उग्र आंदोलन करेंगे। हमारे साथियों को छोड़ा जाए नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। पाँच वर्षों से परीक्षा की मांग करने आए हम सर यहाँ पे, हमको जॉब करने की मांग परीक्षा की मांग करने आए सर, एक पात्रता परीक्षा हमको चाहिए और सरकार समर्थ नहीं है पात्रता परीक्षा। आप गद्दी छोड़ दीजिए, अगर पात्रता परीक्षा नहीं ले सकते हैं तो आप गद्दी छोड़ दीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।